सो हेलो नमस्कार टू द ऑल केमिस्ट्री लवर्स एंड डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ऑफ द नियर फ्यूचर। मैं विजय कुमार सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं केमिस्ट वाला चैनल पे रिगार्डिंग टू केमिस्ट्री। बहुत से बच्चों के द्वारा दिया गया मैसेज पर्टिकुलर कि सर क्लास 11th के लिए कब से वीडियो अपलोड होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे विल गो विद द जस्ट सिलेबस विच इज प्रेजेंट एट टाइम मीन्स एट प्रेजेंट जो भी आपके पास में सिलेबस प्रेजेंट है पहले आज उसको डिस्कस करेंगे और फिर डे बाय डे आपके साथ में हर एक चैप्टर के रिगार्डिंग वीडियो शेयर करता जाऊंगा। विश्वास कीजिए हम इस विश्वास के पीछे ही टिके हुए हैं और जीतेंगे जरूर, जीत जरूर मिलेगी। सो पर्टिकुलर बात करूं क्लास 11th के रिगार्डिंग, दिस इज द क्लास 11। तो सीबीएसई और आरबीएसई का बड़ा ही प्यार प्रेम उमड़ा है आप लोगों के लिए कि सब सिलेबस उन्होंने कंप्रेस कर दिया, बट ये गलत है क्योंकि नीट और आईआईटी में तो एंटायर सिलेबस बट हर एक चैप्टर की वीडियो आपके साथ अपलोड करेंगे, बट पहले वो डिस्कस कर लूं जो सिलेबस आपके प्रेजेंट है। क्लास 11th में बात करूं तो मैं केमिस्ट्री के रिगार्डिंग आपके पास चैप्टर आता है सबसे पहले सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज ऑफ इट विल बी अ लॉट ऑफ थिंग। एटम क्या है, एटम के लिए पर्टिकुलर क्या क्या यूनिट्स काम में लेते हैं, डायमेंशंस क्या क्या होती है पर्टिकुलर, उनका कन्वर्जन कैसे होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन क्या है, साइंटिफिक नोटेशन के बाद में उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन के बाद में बात करूं तो पर्टिकुलर राउंडिंग ऑफ की बात करूंगा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन आएगा आपके पास, लिमिटिंग रिएजेंट होगा और इन सब के साथ साथ सॉल्यूशन की डिफरेंट यूनिट्स के साथ साथ एक बहुत बड़ा पार्ट मोल कंसेप्ट होगा। इसके साथ साथ स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग टू चैप्टर फर्स्ट, दैट इज द सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर इज योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिसमें आप लोग पर्टिकुलर वही 9th वाला एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे What is the spectrum? Just atom. Atom क्या है? Atom के regarding बात करेंगे हम, वही Dalton's atomic theory, वही same Thomson model, Rutherford, Bohr atomic theory, further Maxwell theory, further it will be just different theories as you can say, de Broglie equation, dual behavior of the matter, the Heisenberg uncertainty principle and Schrödinger's wave equation and the most important part, applications of the Bohr concept. Just it will be use of calculation of the atomic radius, velocity of electron, energy of orbital and wavelength of the hydrogen spectrum. Hydrogen spectrum क्या है, उसका meaning क्या है, उनके बाद में particulars में बात करेंगे Lyman, Balmer, Paschen, Bracketfund and Humphrey series की, and after then it will be quantum number, that is the most important part of this chapter, and further it will be use of electronic configuration as a above principle. So this was about the chapter second. If I'll go with the chapter third, then that is the classification of elements and periodicity of properties. Of properties means particular element का classification जो कि आपने 10th वालों ने at present जो आ रहे हैं उन्होंने चैप्टर स्किप किया था, जो 11th में आए अभी उन्होंने ये चैप्टर स्किप किया था एज अ पीरियोडिक टेबल, वो अब आपको डीपली अच्छे से पढ़ना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से पहले भी बहुत सारे डॉबर इन स्ट्रेट्स पर्टिकुलर लोदरमायर कर्व पर्टिकुलर जस्ट यू कैन से मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल एंड आफ्टर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो प्रपोज की गई। नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स अबाउ द एटॉमिक नंबर 100 और अबाउ 100 उनका क्या करते हैं, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में एटॉमिक रेडियस आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर डायगोनल रिलेशनशिप अ लॉट ऑफ थिंग की बात करेंगे जो कि पर्टिकुलर चैप्टर थर्ड में होगा। चैप्टर फोर्थ के रिगार्डिंग बात करूं देन इट विल बी योर केमिकल बॉन्डिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में हम बात करेंगे पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग, व्हाट इज द मीन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, types of the chemical bonding as the ionic, covalent and coordinate, further we'll go with the just Lewis structure, after then we'll go with the just dipole moment, just MOT, hybridization, VBT and just a lot of important topic that is the hydrogen bonding also. So, un sab ko humko chapter 4 ke along discuss karna hai. If I'll go with the fifth chapter,
देन स्टेट्स ऑफ मैटर को स्किप करके उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स आपके सिलेबस में ऐड किया है। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू नॉट ओनली 11th बट ऑल्सो नीट IIT ऑल्सो। थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे सिस्टम क्या है, सिस्टम के टाइप्स क्या है, पर्टिकुलर आपके पास में किसी भी सिस्टम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, सो ऑन। सो दिस वाज रिगार्डिंग टू चैप्टर नंबर योर फिफ्थ एज अ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द जस्ट IIT student and class 11, that is the chemical equilibrium. You can say equilibrium also, equilibrium, equilibrium. So it will be two parts of the equilibrium, as a chemical equilibrium and ionic equilibrium. Regarding to chemical equilibrium, we'll discuss about the what is the meaning of Kp and Kc, what is the meaning of equilibrium constant, what is the mean of Lee-Chatterley principle and applications of the Lee-Chatterley principle. After then we'll go with the different kinds of the just ionic equilibrium ke regarding baat karenge to different kinds of the just you can say acid base theory as the Arrhenius, just Bronsted-Lowry concept, Levi's concept, and after then Ka Kb ko discuss karte hue salt ko discuss karenge, pH ko discuss karenge, and after then buffer solution and just common ion effect, that is the most important topic. So these are the six chapter in the first part as a chemistry. If you will go, this is the part first. This is the, you can say as a part first. This is the part first. If you will go with the class 11, then part second, it will be your starting with the chapter very important. That is the seventh chapter is called as redox reaction. Redox reaction. It is very important. जो कि आप class 10 में discuss कर चुके हैं. What is the mean of redox reaction? Reduction and oxidation. Further, we'll go with the just oxidation number, calculation of the oxidation number, laws of calculation of oxidation number, after then paradox, after then Stock notation, and it will be use of reaction balancing as the ion electron method, or you can say half reaction method, and another method is your oxidation number method. Further, we'll go with the cell and types of the cell, and it will be electrode potential and uses of the electrode potential. This was about the redox reaction chapter 7. If we'll go with the chapter 8, then hydrogen has been skipped, S block skipped, P block is skipped. Chapter 12, which is used as a chapter 8, and that is called as general organic chemistry. It's a very important part, general organic chemistry. जिसको आप in summer में आप complete chapter को तो better है, क्योंकि मैं इसी से starting करूँगा, because of कुछ 12th वालों की भी demand है कि ये चैप्टर उनके लिए टिपिकल है, दैट इज द GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी कंटिन्यू करेंगे जल्द ही। आफ्टर देन दैट इज योर चैप्टर नंबर 9 इज योर हाइड्रोकार्बन। दिस इज द हाइड्रोकार्बन। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द अलॉट ऑफ थिंग इन बोथ चैप्टर। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग बात करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो कि कुछ पार्ट सिमिलर है चैप्टर 10th क्लास का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के, बट उससे कुछ एक्सपेंड है। नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे ट्राइवियल, जस्ट कॉमन, जस्ट डिराइव्ड एंड IUPAC नेम ऑफ द ओपन चेन एंड एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सब कुछ नीट और IIT तक का पूरा मटेरियल आपको इसमें मिलेगा। फिर बात आती है जस्ट हाइड्रोकार्बन के रिगार्डिंग, हम बात करेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, जस्ट उनके प्रिपरेशन मेथड, एंड आफ्टर देन बेंजीन, बेंजीन का प्रिपरेशन मेथड और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सब पार्ट मिलकर के आपके पास में ये बनाता है जस्ट पार्ट सेकंड, थ्री चैप्टर्स, एंड दीज थ्री चैप्टर्स आर टू इंपॉर्टेंट, दीज आर एज अ इंक्लूड एज अ पार्ट सेकंड। सो दीज एंटायर 9 चैप्टर्स आर प्रेजेंट इन द क्लास 9th राइट नाउ इन द सिलेबस ऑफ द 2023-24। 9 chapters are in your syllabus. This syllabus is too important. किसी भी चैप्टर को आपको स्किप नहीं करना, हर एक वीडियो को मेरे साथ रहना है। सो सी द एंटायर सिलेबस।
So this was about the syllabus of the class 11th of the session 2023-24. Not only for CBSE but also RBSE also. We'll meet in the next video with a new video as a regarding to your syllabus. Till then, thank you, shukriya, dhanyavad. Yuhi vishwas binaye rakhiye, no doubt jeet hogi. Aur channel ko maximum subscribe kijiye. Aapko har ek material bina kisi amount ko spend kiye mil payega. Ek ek cheez ke saath. Tab tak ke liye dhanyavad, shukriya.